Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। उनको नौजवानों के रोजगार से मतलब नहीं है, वो अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता आरजेडी के नेताओं की बेरोजगारी दूर नहीं करने वाली। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोर शोर से, हमारे साथ है नंदकिशोर यादव जी, 6 बार से विधायक हैं और 7वीं बार यहाँ पटना साहिब से मैदान में खड़े हुए हैं और यहाँ जनसंवाद, एक लोगों के आसपास के लोगों का एक जनसमूह है उसके साथ जनसंवाद कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे सर, किन मुद्दों के साथ, क्योंकि 6 बार आप लड़ चुके हैं, 6 बार आपको यहाँ की जनता ने एक मान सम्मान दिया है, क्या किन मुद्दों के? देखिए, मेरा मुद्दा दो ही है। एक तो मेरा मुद्दा है विकास, 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 और दूसरा मुद्दा हमारा है इस क्षेत्र के लोगों से अपनापन। मैंने दो ही काम किया है, विकास का काम किया है और यहाँ की जनता के सुख दुख में लगातार साथ देने का काम किया है। यही कारण है कि लोग बार बार मुझे निर्वाचित करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। बार बार ये कहते हैं तेजस्वी कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से जेडीयू पे। देखो क्या कहते हैं आरजेडी के लोग, ये इनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है और गठबंधन धर्म के तहत हमने तय किया है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हम उसका पालन करेंगे। ये प्रचार भी किया जा रहा है कि दिल नहीं मिला है नीतीश कुमार से बीजेपी का। किसका दिल नहीं मिला तो उनको उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहिए। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, दल भी मिल गया है और दिल भी मिल गया है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो दूसरे चरण का मतदान है, हालांकि हर मतदान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन 2/3 बहुमत की बात हो रही है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है हार जीत का दूसरे चरण का, क्या लगता है कि एनडीए को कितना फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, एनडीए के पक्ष में ज़बरदस्त लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार का सपना साकार करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो, और नीतीश कुमार जी का साथ, ये दोनों मिलकर के 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत भाजपा को और एनडीए को दिलाएगा। दूसरे दल जो है बेरोजगारी भगाओ आंदोलन, चुनाव छोड़कर कह रहे हैं बेरोजगारी भगाओ आंदोलन है, कितना इतिबाक रखते हैं? आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, उनको नौजवानों के रोजगार से मतलब नहीं है, वो अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता आरजेडी के नेताओं की बेरोजगारी दूर नहीं करने वाली। अंतिम सवाल है, महंगाई की बात हो रही है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, खासकर के अगर हम खाने की चीज़ों के लिए आलू प्याज के दाम काफ़ी बढ़ गए, आपको लगता है कि मुद्दा बनेगा ये? देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप तो लगातार कवर करते हैं, हर चुनाव में मुद्दा बनता है सड़क बिजली पानी। आज बिहार में सड़क बिजली पानी मुद्दा नहीं है, क्योंकि 15 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के सड़क बिजली पानी की समस्या का समाधान किया है, और अनर्थक निरर्थक मुद्दे उछाल करके वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं, झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं। पहाड़ भड़बड़ा के गिर जाएगा, जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ। 7वीं बार अस्वस्थ है पूरी तरह से, जनता से पूछ लीजिए आप, इसकी गवाह तो जनता है। हमारे साथ नंदकिशोर यादव जी, 7वीं बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ की जनता उन्हें फिर से विधानसभा भेजेगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ फिर तुंजा श्रीवास्तव, पटना बिहार का।